شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات हकीम के पाँचवें पारे की तफसीर का ख़ुलासा पेश किया जा रहा है ये बताया गया कि सौतीली माँ के साथ निकाह करना हराम है ये औरतों के लिए एक जिल्लत थी जिसे क़ुरान हकीम ने इज़्ज़त में बदल दिया है नीज़ औरत बिल्कुल बेजान चीज़ की तरह थी जिस तरीक़े से मकान है जायदाद है रुपया पैसा है वो वरासत में मिलता था लोगों को तो औरत भी एक चीज़ ही थी वो भी वरासत में मुंतकिल हो जाती थी मना किया गया ये हकीम ने औरत को एक जिल्लत से निकाल करके एक और इज़्ज़त का मकाम अता किया है और ये फरमाया कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो ज़रा सोचो कि तुम मर गए और तुम्हारी कोई बीवी है तुम्हारा बेटा इस औरत से निकाह कर ले तो कितनी बुरी बात है ये फिर आगे मुहर्रमात की तफसील बताइए कौन कौन सी औरतें हराम हैं जिनसे शादी नहीं की जा सकती बताया कि सात रिश्ते नसब से हराम हैं खून से और सात रिश्ते दूध से हराम हैं रज़ात से और चार रिश्ते मुसाहरत से यानी शादी के ना ही से हराम है कौन कौन है साथ बताया गया हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम तुम्हारी माएँ व बनातुकुम तुम्हारी बेटियाँ व अखवातुकुम तुम्हारी बहनें तीन व अम्मा तुम्हारी फूफियाँ चार व खालातुकुम तुम्हारी खालाएँ व बनातुल अख भाई की बेटियाँ यानी भतीजियाँ व बनातुल उख्त और बहन की बेटियाँ यानी भानजिए सात और फिर इनके जो फुरू हैं यानी अब भांजी हराम है तो उसकी बेटी भी हराम है फिर उसकी बेटी की बेटी हराम है इस तरीके से आगे तक चलता चला जाएगा इला ला ला। जी तो ये सात हो गया और नसई की एक रिवायत है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यहरुमु मिनर रज़ाई मा यह रुम मिनब न से जितने रिश्ते हराम होते हैं दूध से भी रज़ात से भी वो रिश्ते हराम हो जाते हैं जी जैसे किसी आदमी ने किसी औरत का दूध पी लिया तो बिल्कुल नसब की तरह सात रिश्ते वहाँ भी हराम हो जाते हैं वो माँ हराम हो जाती वो बहन हराम हो जाती सारी चीज़ें हराम हो जाती और चार रिश्ते मुसाहरत से यानी शादी से हराम हो जाते सास बहू रबीबा जमा बैनुता नहीं, नहीं समझे सास तो ठीक है वो सास से निकाह करना हराम है दूसरे बहू बहू से शादी नहीं कर सकते आप नंबर तीन रबीबा रबीबा का मतलब ये जैद है और ये बीवी है जैद ने इस औरत से शादी की है? लेकिन जिस वक्त जैद ने इससे शादी की दूसरे शोहर से इसके पास एक लड़की थी अब जब इसने इससे शादी कर लिया तो अब यह लड़की इसकी रबीबा है इससे निकाह नहीं कर सकता अगर करना हो तो पहले कर ले पहले कर ले माँ से ना करे इन दोनों में से अगर माँ से कर लेता है तो ये बेटी जो है ना ये उसकी जो दूसरे शोहर से रबीबा है इससे शादी नहीं कर सकता राम और जमा बैनलुख्तैन दो बहनों को एक साथ निकाह में नहीं रख सकते हराम है तो सात रिश्ते खून से नसब से और जो नसब से रिश्ते हराम होते हैं वो रज़ात से भी दूध से भी हराम हो जाते हैं जी और चार रिश्ते मुसाहरत से जैसा कि मैंने बताया एक साहब ने सवाल किया था कि बाप जिंदा है माँ मर गई है और माँ मरी है तो बच्चा छोटा है तो क्या बहन दूध पिला सकती है उसको हाँ पिला सकती हुरमत की कोई वजह नहीं है बहन दूध पिला सकती इस तरह बहन बहन भी है और उसकी रजाई माँ भी हो गई दो रिश्ते हो गए बहन दूध पिला सकती है तो उसकी बहन भी है वो शेखवार बच्चे की और उसकी माँ भी है रजाई माँ है अब सारे अहकाम रजात के उसके ऊपर लागू होंगे जी बाज बाज़ बच्चे होते हैं वो औरत सोती रहती है और ये घूमते घामते जाते हैं दूध पी लेते दूध पी लेते अब ये जो दूध पी लिया है उसने अब यहाँ भी रजात के अहकाम लागू होंगे अच्छा दूध कब पीना ला रजा في फिलान दूध पिलाने की मुद्दत दो साल है दो साल के अंदर अगर कोई दूध पी ले तब रजा साबित होगी दो साल के बाद अगर पी ले तो रजा साबित नहीं होती जी एक दूसरे कितना पी ले एक मर्तबा खींच कर पी ले नहीं दो मर्तबा खींच कर पी ले नहीं पांच मर्तबा खींच कर पी ले तो रजा साबित होगी एक दो मर्तबा खींच कर पीने से रजा साबित नहीं होगी पांच मर्तबा यानी खम सर रजात पांच मर्तबा खींच कर पी ले तो वो उसकी माँ हो जाएगी वो एक दो मर्तबा खींच कर पीने से हुरमत साबित नहीं होती रजा साबित नहीं होती अगर मालूम हो जाए एक शख्स की शादी एक लड़की से हुई बाद में कोई औरत ये बोले कि मैंने इन दोनों को दूध पिलाया है फिर क्या किया जाए दोनों को अलग कर दिया जाए जी इसलिए कि वो लड़के उसके निकाह में नहीं रह सकती हराम है वो लिहाजा शादी तोड़ दी जाए और इत्तेफाक से बच्चा हो गया था तब तक मालूम नहीं हुआ तो ये बच्चा हलाली है हरामी है हलाली है सही है नसब सही है उसका जी तो सात रिश्ते नसब से हराम है और सात रिश्ते दूध से रजा से हराम है और चार रिश्ते मुसाहरत से अच्छा और किससे शादी नहीं कर सकते आप वल वलमोहसनातु मिननसा शादी शुदा औरतों से निकाह नहीं कर सकते जी किसी औरत की शादी हो गई है तब दूसरा मर्द उससे शादी नहीं कर सकता ये इस्लाम में हराम है इसमें लफ्ज मोहसनात इस्तेमाल किया गया है हिस्न जो है हिस्न यह तीन मानों में आता है एक माना है इसका इफ्फत पाक दामनी तो अगर कोई औरत पाक दामन है तो कहा जाएगा कि यह मोहसना है और हिसन का एक मतलब होता है हुर्रियत। यानी वो लौडी नहीं है आज़ाद औरत है तो कहेंगे कि ये मोहसनात है यानी आज़ाद है ये लौडी नहीं है और तीसरे तज्वुज किसी औरत की शादी हो गई हो जी कि किसी औरत की शादी हो गई हो तो उसको भी मोहसना कहा जाएगा इसलिए कि हिसन का मतलब होता है किला औरत की शादी हो गई कि वो किले में आ गई लिहाजा लड़कियों की और लड़कों की जल्दी से शादी कर दी जाए बाज लोग तालीम के चक्कर में बत्तीस बत्तीस साल पैंतीस साल तक लड़कियों को बिठाए रखते हैं मेडिकल कर रही है लड़की इंजीनियरिंग पढ़ रही है लड़की लड़का इंजीनियर बनना है लड़का डॉक्टर बनना है अगर ये दोनों गुनाह कर बैठे तो इसका अजाब किसके ऊपर है लिहाजा ये सब चोचले ये सब यूरोपियन चौंचले हैं छोड़ो इसको ये सब यूरोपियन हैं इनके इस्लाम में कोई जगह नहीं है ता आला तालीम कौन सी आला तालीम है? जो गुनाह में मुब्तला करते कौन सी अला तलीम हमारे यहां तालीम से ज्यादा इफ्फत जरूरी है औरत की तालीम से ज्यादा औरत की पाकदामनी मतलूब है इस्लाम में आला तालीम के चक्कर में लड़कियों को पैंतीस पैंतीस साल तक बिठाए रखते हैं और मुसलमानों का हाल तो ऐसा है कि लड़कियां बैठी हुई हैं अब घोड़े जोड़े की रकम भी तो चाहिए इनको इन डाकुओं को इन बदमाशों को बेशर्मों को इनकी वजह से लड़कियां और भी बैठी हुई लादा जितने नौजवान हैं जितने यहां बैठे हुए हैं कोई भी रकम नहीं लेगा शादी करते वक्त याद रखो वरना मेरी बदुआ लगेगी उसको बदुआ कर दूंगा मैं जोड़ा और घोड़ा घोड़े पर बैठ के जाते क्या है तो जोड़ा तो रहता ही घोड़े पर बैठते रहते और कारें घोड़े की क्या जरूरत है जोड़ा और घोड़ा वल मोहसना तुम्स इमल इमानुकुम जिस औरत की शादी हो गई हो उसको मोहसना कहते हैं उससे शादी नहीं की जा सकती जी शादी में पांच शर्तें हैं कम से कम बताया गया अन तब तहु अन तब चाहो बाप ये कहेगा जव्वश इब्नती जव्वश का कब्नती मैंने अपनी बेटी से तुम्हारी शादी कर दी तो दूल्हे मिया जो पूरा गुलशता बने बैठे अरे क्या क्या पूरा वो चलता तो देखना पड़ता गार्डन तो वो गार्डन से पूछा जाएगा कि इबनती मैंने अपनी बेटी की शादी तुसे करी अब गार्डन क्या बोलेगा कबील तू मैंने कबूल की ये जो है ईजाब कबूल के से लड़की से इजाजत ली जाएगी और फिर लड़के से इजाजत ली जाएगी ये इसको कहते हैं इजाबो कबूल ये पहली शर्त है अंतप तकु और बेअम वाली कुंभ की कैद लगाई गई कुम कुम यह मुजक्कर है यानी माल कौन खर्च करेगा लड़का लड़की नहीं लड़की वालों के ऊपर कोई बार ना डाला जाए तक तगु बेअमवाली कुंभ कुम ला बे वाली कुन्ना तुम माल खर्च करो एक और दूसरे गवाह दो आदिल बालिख गवाह होने चाहिए दो और तीसरे महर और चौथे वली और पांचवें दायमी कब्जा दायमी कब्जे का मतलब होता है निकाह मुताह हराम है पहले क्या होता था और आज भी कुछ करते हैं वो हराम है वो कि एक मुतन मुद्दत के लिए एक मुतन रकम पर कि इतनी रकम के ऊपर छह महीने के लिए मैं तुझसे शादी करता हूं हराम है ये निकाह मुता तो ये निकाह हमें पांच शर्तें हैं इसमें हलाला हलाल भी रद्द हो गया कि भाई इससे शादी कर देते हैं कि रात गुजारने के बाद उसको तलाक दे देना हराम है ये हलाल मुरवजा जी जी तो ये पांच शर्तें अलबानी की किताब है अदाब उसमें उन्होंने लिखा है कि मंगनी की अंगूठी पहनाना दूल्हे को या दुल्हन को ये नसारा का तरीका है ज़्यादा बचा जाए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाहिने हाथ में अंगूठी पहनते थे हजरत इब्न उमर कहते हैं कि इब्न उमर के बारे में है कि वो बाएं हाथ में पहनते हैं बाएँ में भी पहन सकता है दाएं में भी पहन सकता है हाँ ये सब्बाबा और उस्ता में नहीं पहनना चाहिए बकिया इसमें इसमें पगड़ पहन सकता है जी मना किया गया वला मुतजात अखदान न मुसाफहात हूँ न मुतखजात अखदान औरतों की दो ही किस्म है पहले होती थी शाहिदा ने बाजारी कोई भी जाए और अपनी ख्वाहिश पूरी करके आ जाए बाजार होती थी औरतों की मंडी जी उसको कहते मुसाफहात खुले तौर पर जना कराने वालियां मुसाफहात और दूसरे मुत अखदान चोरी छुपे आशनाई करने वाली औरतें खुल्लम खुल्ला एलानिया बदकारी करने वाली औरतें मुसाफहात और चोरी छुपे आशनाई करने वाली औरतें मुतखात अखदान इसको हम लोग कहते हैं बॉयफ्रेंड बनाना जी बॉयफ्रेंड बनाना और अजीब बात है कि यहां कहा गया मुतखेजाते अखदान ए इस्लाम की बेटियों तुम बॉयफ्रेंड न बनाओ क्यों सतश सतश अहबाता इद तारा कहा बॉयफ्रेंड ने अपनी ख्वाहिश पूरी करने के बाद उक्ता करके उसे छोड़ दिया तो उक्ता करके छोड़ दिया तो या डिप्रेशन में चली जाएगी तो इस्लाम यह कहता है मेरी बच्चियों अंतुन गालिया तुम बहुत कीमती हो कोई भी गाफिल नौजवान और गैर जिम्मेदार नौजवान तुम्हारे जज्बा से नहीं खेल सकता इस वजह से बताया गया कि चोरी छिपे आशनाइया मत करो बॉयफ्रेंड मत बनाओ कभी छोड़ दिया तो, तो तुम डिप्रेशन में चली जाओगी और इस्लाम तुम्हारे जज्बात की कदर करता है कहीं तुम्हारे जज्बात मजरू ना हो जी यह है कुरानी हकीम तो इसमें देखिए औरतों की किस कदर इज्जत अफजाई की गई है एक आयत करीमा की शरह करना चाहता हूं देखो अल्लाह चाहता है कि तुम्हारे लिए खोल खोल कर अहकाम को बयान कर दे यह हलाल है यह हराम है बराबर है वयाहदिया कुम सुन कबल कुम और तुम्हारी रहनुमाई करे उन लोगों के तरीके की जो तुमसे पहले गुजर चुके हैं सलह अंबिया, अच्छे लोग तो अच्छे लोगों के तरीके ऊपर चलो यहाँ हिदायत का लफ्ज नुक्ता नुकता नुकता यह है कि जैसे आंखें दो हैं ऐसे ही इस्लाम में भी दो चीज़ें हैं दो आंखों की तरह एक इल्म और एक हिदायत आज दुनिया में सिर्फ एक आंख से देखा जा रहा है इल्म ये आंख फूट गई है हिदायत की लिहाजा इल्म तरक्की कर रहा है इल्म तरक्की कर रहा है मगर इंसानियत मजरू होती जा रही है क्यों इसलिए कि इल्म तो तरक्की कर रहा है मगर हिदायत की आंख चूंकि फूट चुकी है लिहाजा इल्म की तरक्की के बाद भी इंसानियत जलील हो रही है जहां देखो लोग इंसानों के साथ कितना बदतरीन सलूक कर रहे हैं और कहते हैं हम तरक्की आफ्ता है।, है कहीं किसी मुल्क में मुसलमान मारे जा रहे हो और कोई आवाज उठाए कोई मुल्क तो वीटो कर देते हैं कौन जिनको बड़ा नाज है अपनी टेक्नोलॉजी के ऊपर अमेरिका को, को इसराइल को वीटो करते हैं ये यानी मारते रहो उनको ये कैसा इल्म है ये कैसी तरक्की है दी लानत ऐसी तरक्की के ऊपर तो एक आंख से काम लिया जा रहा है इल्म से तरक्की हो रही मगर हिदायत की आंख बंद है लिहाजा इल्म होने के बावजूद इंसानियत परेशान है इंसानियत जलील हो रही है मोहब्बतें खत्म हो रही हैं खूबसूरत रिवायात का जनाजा निकल रहा है क्यों इसलिए कि इल्म है मगर हिदायत नहीं है युरीत जीकुम वियम सुन कबल कम उन अच्छे लोगों तरीकों के तरीकों की हिदायत करे उनकी तरफ रहनुमाई करे और ये चाहता है कि तुम तोबा करो तुम तोबा करो वो तोबा कबूल कर ले अल्लाह अकबर तोबा की तोफ़ी भी दे और तौबा कबूल भी कर ले अल्ला के रहम है व्लाद वाल्ला चाहता है कि तुम तोबा करो और कबूल करे नुकता बताया जा रहा है वह यूरीदुल्लीन यबियन शाहवाजीमा और जो लोग अपनी ख्वाहिशात की इतबा कर रहे हैं वो चाहते हैं कि तुम पूरी तरह उनकी तरफ मुड़ जाओ एफसिल तब शाहवाबात यदून अन तमिलु मई नाजीमा तुम ऐसे लोगों से घिरे हुए हो जिनके पास दीन नहीं है हा? फासिक लोग हैं अपनी ख्वाहिशात की इत करते हैं तुम ऐसे लोगों से घिरे हुए हो वो चाहते हैं कि तुम भी उन्हीं की तरह हो जाओ कुरान मना करता है वला तुत मन अकफल नकल भवन जिक्रीना ऐसे लोगों के पीछे ना रहो ऐसे लोगों के सर्कल में ना रहो जिनके दिल को अल्लाह तबारक तआला ने अपने जिक्र से गाफिल कर दिया है वला तो मन अकफल नकल भहुवन जिक्रीना अच्छी सोहबतें इख्तियार करो नहीं तो तुम ऐसे लोगों के साथ घिरे हुए हो जी जो ये चाहते हैं कि तुम बिगड़ जाओ तुम शाहवाद की तबाह करने लगो ख्वाहिशात की तबाह करने लगो सबसे खतरनाक चीज क्या है शहवात में बताएगा युरीद्लाफान कुम इस्लाम की जितनी तालीमात हैं उसमें सहूलत ही सहूलत है दो बातें हैं एक तो अमल के एतबार से आसान है और दूसरे समझने के एतबार से आसान है अगर किसी कानून के ऊपर गौर करोगे तो उसमें कोई ना कोई हिकमत नजर आएगी यह है इस्लाम का कानून जी कोई ना कोई हिकमत नजर आएगी और दूसरे इस्लाम का कोई कानून ऐसा नहीं है कि आप उसके ऊपर चल ना सकें कोई मुश्किल नहीं है यह इस्लाम के कवानीन की खसूसियत है औरतों के बयान और शादी के बयान के सियाक में यह कहा गया खुलिकल इंसान इंसान कमजोर पैदा किया गया इब्ने ताउस अपने बाप से नकल करते हैं ताउस इब्न ताउस नबी खुरिकलीसान ये आयत ताउस पढ़ते हैं और कहते हैं कि ये जुकी ये औरतों के मामले के बारे में नाजिल हुई है और कहते हैं लई सयून इंसान अज आफा मिन, मिन अमरिन मर्द दुनिया की किसी चीज में उतना कमजोर नहीं है जितना औरतों के बारे में कमजोर है कोई औरत जा रही हो उसे मालूम है कुछ होने वाला नहीं है कुछ मिलने वाला नहीं फिर भी देखता रहता खुली कली इंसान मुझे उसे मालूम है कुछ मिलने वाला नहीं है कुछ कुछ हासिल होने वाला देखता क्या फायदा खुली कल इंसान इंसान कमजोर पैदा किया गया जी यदुल्लाफ किताब है किताब कायनात की थे जिंदगी कैसे गुजारी जाए तरतीब देखिए पहले औरत फिर उसके बाद उसरा फैमिली फैमिली लाइफ आइली निजाम फिर उसके बाद अलमुशमा सोसाइटी अल्लाह क्या तरतीब है और शुरू में कहा गया कि इंसान दोनों हैं मर्द और, और दोनों लेकिन औरत जो है मर्द से बनाई गई है मर्द से पैदा की गई इन निशा खुलिक रिजाली फिहादा दावत लिराफती बिहन औरत को मर्द से बनाया गया है मर्द का हिस्सा है वो इसमें खुली हुई दावत है कि औरतों के साथ शफकत का बर्ताव किया जाए मसलन ये उंगली उंगली ये बदन इंसानी का जुज है ये हिस्सा है अगर इसके अंदर कोई खराबी आ जाए तो काट दिया जाता है ला बल्कि इलाज किया जाता है और डॉक्टर जब कोई अइंटमेंट देता है तो कहता है धीरे धीरे मसाज करो धीरे धीरे जी तो औरतें चूंकि तुम्हारे जिस्म का हिस्सा है पसली बदन का एक हिस्सा इससे बनाई गई है और वो भी ऊपरी जो पसली है जो सबसे ज्यादा टेढ़ी होती है हदीस में सबसे ज्यादा टेढ़ी बहुत टेढ़ी होती हैं इनको सीधा करने के लिए जानते हैं एक बहुत अच्छा तरीका है खाना कैसा भी खराब हो वाह क्या बनाया हो होटल में भी ऐसा खाना नहीं मिलता हा? हा? और कपड़े पहन करके वाह क्या खुश आपके लिए चाय लाऊं <laughs> ले आ ले 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 बोल देना चाहिए हमको जी जी तो यदुल्लाफा अं कुम विकल इंसान तो पहले औरत और फिर उसके बाद उस्रा और अजीब बात तो यह है कि ये उस्रा ये फैमिली और आयली जो खानदानी निज़ाम है किससे बनता है अल्लाह ने फरमाया औरत से बनता है तुम बाप बनते हो किसकी वजह से किसी के मामू बनते हो किसकी वजह से किसी के दादा बनते हो किसकी वजह से तो खानदानी निजाम की जो बुनियाद है उसरा उसरा इस खानदानी निजाम इसकी बुनियाद औरत है लिहाजा इस एतबार से भी औरत काबिल कद्र है काबिल कदर यूं भी है कि तुम्हारे बदन का एक हिस्सा है और यूं भी काबिल कद्र है कि वह पूरी फैमिली लाइफ पूरे आयली निजाम और खानदानी निजाम की बुनियाद है ये ये ना हो तो कहां से लाओगे बच्चे है? मशीन तो यही है ना जी जी उसके बाद अब मुश्तम सोसाइटी से बात की जा रही है और इसमें सबसे पहले कुछ मालियात और इकतियत के ऊपर बहस हो रही है इकोनॉमी के ऊपर बातिल तरीके से आपस में माल मत खाओ बिल्कुल मना कर दिया गया। सारी चीजें आ गई इसमें इलां तजारत तजारत हो और आपसी रजामंदी के साथ हो वला तख्तलु अनफुसकुम जी और अपने आप को कत्ल मत करो एक सवाल है कि बयान चल रहा है शादी का बयान चल रहा है निकाह का बीच में यह क्यों आया वला तख्तलु अनफुसकुम, अपने आप को कत्ल मत करो कभी कभी ऐसा होता है कि पैसों के लालच में शौहर बीवी को मार डालता है पैसों के लालच में सास अपनी बहू को मार डालती है बीवी अपने शोहर को मार डालती है मना किया गया वला अ तख्तलु अपने आप को कत्ल मत करो और कभी कभी डिप्रेशन में जाकर के आदमी खुद अपने आप को मार लेता है मना किया गया जान इतनी सस्ती नहीं है कि उसे इतनी आसानी से जाने दिया जाए वला अ तख्तलु इन्नल्लाह काना बिकुम रहीमा, अल्लाह तुम्हारे ऊपर रहीम है तो औरत के साथ अदल किया जाए अदल लेकिन इतना भी ढीला ना छोड़ा जाए कि वो जो भी गलत सलत करना चाहे करे ला 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 बताया गया अरे मूना आल नि साहब मर्द कौाम है औरतों के ऊपर इसे औरतों की तोहिन नहीं है कहा जाए कि फौज का कमांडर है तो क्या फौजियों की तोहन है अरे भाई फौजी निजाम को खूबसूरत अंदाज से चलाने के लिए कमांडर इन चीफ की जरूरत है ऐसे ही घर का जो निजाम है आयली निजाम को चलाने के लिए कमांडर की जरूरत तो है नहीं है कौवाम की जरूरत तो है तो फितरी बात है ये और किसको बनाया जाना चाहिए कौाम जो साख्त के अतबार से फिजीक जिसका अच्छा हो उसकी, उसकी। यानी फिजिकल अंदाज उसका मजबूत हो दूसरे के मुकाबले है कि औरत के मुकाबले में मर्द ज्यादा ताकतवर है लिहाजा कौआाम उसे बनाया जाए और औरत और मर्द में फर्क यह है कि मर्द जो है मर्द के अक्ल के ऊपर मर्द के अकल के ऊपर ये जज्बात गालिब नहीं होते जी जज्बात गालिब नहीं होते लेकिन औरतों की अक्ल के ऊपर जज्बात गालिब होते हैं इसी वजह से उसे तलाक का हक नहीं दिया गया गुस्से में आ गई फन तलाक दे देती पूरा आयली निजाम भी कर करके रह जाता है इसलिए कि उसकी अकल के ऊपर जज्बात का गलबा है जज्बात का गलबा है लिहाजा औरतों को तलाक का हक ना देना ये फितरत है हां तलाक का हक ना दे करके खुला का हक दिया है मैं तेरे साथ जिंदगी नहीं गुजार सकती तू मुझे छोड़ दे यह है लिहाजा अगर गौर किया जाए तो यह पूरी सूर करीमा अदल के मेहवर के ऊपर घूमती है पूरा एक्सिस इसका अदल है तो मर्द को बनाया बनाएगा क्यों ताकि आयली जिंदगी बेहतर रहे तबी तौर पर भी वो उससे ज्यादा मजबूत है और दूसरे कानूनी तौर पर भी इसलिए कि इसकी जिम्मेदारी है कमा करके लाना औरत की जिम्मेदारी नहीं तो तबीत तौर पर और कानूनी तौर पर यह मर्द उसे बरतर है लिहाजा उसे कबाम बनाया गया और उसे मारने की भी इजाजत है मारने की इजाजत है लेकिन कितना मारना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत देखी जाए नबी करीम करीमलबी हयाती ही इमरातन वाला खाद मन कत्तू आपने न किसी नौकर को और न किसी बीवी को अपने कभी हाथ नहीं लगाया है यह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारक है लिहाजा यह आयत करीमा वज्रब न उनको मारो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से इसको मुतयन किया जाएगा एक खादिमा जरा शौखी कर रही थी तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अगर मुझे अल्लाह का खौफ ना होता तो मैं इस मिसवाक से इसको मारता मिसवाक से क्या चोट लगती है इस मिसवाक से मैं उसको मारता अल्लाह ये रहीम है नबी करीम वसल्लम फरमाया गया या यूह लदीना मन वान तुम सुकारा, नशे की हालत में रहो तो नमाज के करीब मत आओ या कोई भी ऐसी चीज़ जो बदबूदार हो जिसे खा कर हो कच्ची प्याज है लहसन है सिगरेट पी कर आयो हो मस्जिद में तो दर किनार मस्जिद के करीब नहीं आना चाहिए फ़ला यबन ना मस्जिद आना हमारी मस्जिद के करीब ना आए जब तक तो मुसबू ना ख़त्म हो जाए जी अगर पानी ना मिले तो तयम यह अदल है ये यह अदल है ये इंसान यह अदल है तवसुत है कि अगर पानी ना मिले तो तयम कर लो और अगर मरज के बढ़ जाने का अंदेशा है तो पानी में, करो? में इस्तेमाल करो में इस्तेमाल करो तैमोम का तरीका क्या है उसमें पांच चीजें हैं एक तो नीयत जी इन मलामालुबी नीयत दूसरे तस्मिया बिस्मिल्ला पूरा नहीं पढ़ना रहीम ने बिस्मिल्ला दो और तीसरे पाक मिट्टी के ऊपर एक जरबा ऐसे तीन और उसके बाद चौथे नंबर पर फूंक मारना ये भी सुन्नत है उसके बाद दाहिने हाथ को बाएं हाथ की हथेली की पुष्ट के ऊपर फेरना यहां तक और उसके बाद फिर बाएं हाथ की हथेली को दाहिने हाथ की हथेली की पुष्ट पर फेरना मतलब ऐसे ऐसे नाक में डाल क्या डालना नाक में क्यों डाल भाई वो मिट्टी है वो पानी थोड़ी नाक में डाल तो इसमें पांच चीजें हैं क्या एक तो नीयत और दूसरे तस्मिया बिस्मिल्ला और तीसरे एक जरबा पाक मिट्टी के ऊपर तीन और उसके बाद फूंकना और उसके बाद चेहरे पर फेर करके यह पांच तय है तो पाक मिट्टी से तुम तयम कर लो और क्या क्या करना है फमसहू बेउही काई दुम चेहरे और हाथ के ऊपर फेरना है तो इसमें और नहीं बताया गया ये करना है वो करना है अजीब बात दो आयतें एक जैसी है। ला आई हैं इन अल्लाह फिर अयु शरा कभी अल्लाह हर गुनाह को बख्श देगा मगर शिर्क को नहीं बख्शेगा जी इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं उसके बाद शिर बिल्ला फ़कद इफतरा आजीमा जो अल्लाह के साथ शिरक करता है उसने इफ्तरा किया और गुनाह अजीम का इरतकाब किया जी और आगे चल करके इसी पारे में ऐसा आया है इन अल्लाह लायक फिर कभी वायक फिर माधु निकली मैं मयूशर बिल्लाई तो यहां है फकदराफ नजीमा और वहां है जल्ला जलालम्बाईदा क्यों इसलिए कि पहला टुकड़ा तो वही है बताया गया फमुजर्रद कौले अनिल्ह शरीक हादा इफ्तरा अगर कोई जबान से यह कहे कि अल्लाह का कोई शरीक है तो यह इफ्तरा है जी, और वह तब भीत ही हुआ अगर आदमी मुंह से कहे कि अल्लाह का शरीक है यह इफ्ते है झूठ बांधना अल्लाह पर और शिरक को, को अपनी जिंदगी में ले आए कब्रों की पूजा करने लगे यहां सजदा कर ले वहां सजदा कर ले तो ये चूंकि उसने उसको अपनी जिंदगी में नाफि कर लिया तो ये गुम रही है तो जबान से अगर कहता है कि अल्लाह का शरीक है तो इफ्तरा और अगर उसको अपनी जिंदगी में नाफिस कर देता है तो यह जोलाल है लिहाजा दोनों का महमल अलग अलग है इफतरा यह फरियन से मुश्तक है फरियन अलफरी अल टट इफ्तरा किससे मुश्तक है फरी फरी का मतलब होता है टू कट काट देना इसे अलग अलग कर देना किसी चीज़ को उससे मुश्तक इफ तरह यानि कानू य फितरा गोया कि वो फितरत को काट देता है क्यों इसलिए कि इंसान जब पैदा होता है तो फितरत के ऊपर पैदा होता है फितरत पर पैदा होने का मतलब कि अल्लाह के अलावा किसी की इबादत जायज़ नहीं है अब आदमी शिरक करने लगे तो गोया कि इफ्तरा कर रहा है इफ्तरा करना अलफर अलक यानी गोया को उसने फितरत को काट दिया यह मतलब है अफ्तरा का फरमाया गया कि बल कुर अल कुरान क्या ये हकीम पर गौर नहीं करते कर्न हकीम ऐसी किताब है कि इसके अंदर अगर गौर करोगे तो कहीं भी आपको तजाद नजर नहीं आएगा दुनिया की कोई भी किताब हो कहीं ना कोई तनाकुस पैदा आ जाता है कहीं ना कोई तनाकुस पाया जाता है लेकिन छ हजार से जायद आयात हैं कुरान में लेकिन कभी दो आयतों में कभी कोई तारुज़ नहीं मौजूद इन एजाज़ इन एजाज़ इसको कहते हैं मरकल मोजा कहते हैं इसको कुरान अफलायतर कुरआन वैर लवाजी अख्तिलाफ़न कसी क्या ये कुरान पर गौर नहीं करते अगर ये अल्लाह की तरफ से ना होता तो इसमें इख्तलाफ पाया जाता चूँकि अल्लाह की तरफ से लिहाजा छः हज़ार से जायद आयात हैं कभी दो आयतों में कोई तारुज़ और कोई इख्लाफ़ नहीं पाया गया सलाम का जवाब देना वाजिब है वहीद तुम भी तहयिन फायू भी आसनाम और कोई सलाम करे तो वैसे ही जवाब दे दो वालेकुम दोकुम वालकुम्सम और और भी आहसना मीना उससे अच्छा भी कह सकते हो वालेकूम वहल ऐसा बोल सकते हैं आप और आगे कहा गया इनकुल्लि शहीन हसीबा या हसीब सिफत लाई गई हिसाब लेने वाला यानी अगर तुमने जवाब नहीं दिया सलाम का तो अल्लाह हिसाब लेने वाला है पता चला सलाम का जवाब देना वाजिब है ये मालूम है इससे सलाम का जवाब देना वाजिब है फरमाया गया कि जब आदमी सफर में हो तो कसर नमाज पढ़ सकता है यानी चार रकात वाली दो पढ़ सकता है जी लेकिन ये पढ़ना सुन्नत है वाजिब नहीं कोई अगर पूरी पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता हजरत इब्ने उमर से पूछा गया कि आज कोई खौफ नहीं है और हम किसी से डरते भी नहीं है ला लानाफ अहदन तो हम कसर क्यों करें फरमाया सुन्नत अलैहि वसल्लम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है लिहाजा करो कोई पूरी भी पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है तरीका क्या है कहां से शुरू करें शहर की हदूद से बाहर निकल जाए यानी म्यूनिसिपल की जो हदूद है म्यूनिसिपल की हदूद से बाहर निकल जाए और वापस अगर आए तो म्यूनिसिपल के हदू से अगर बाहर है उसका घर भी नजर आ रहा है तब भी कसर करेगा वो वहां से उसका घर दिख रहा है लेकिन वो म्यूनिसिपल की हदू से बाहर है तो वहां वो कसर कर सकता है जी तो शहर की से बाहर निकल जाए वहां से कसर शुरू करेगा एक दूसरे कितने दिन कसर करेगा तो तीन जो इमाम है इमाम अहमद इमाम शाफी और हजरत इमाम अहमद इब्न हम्बल शाफई इमाम महद इमाम मालिक तीन जो है इनके नज़दीक है कि आदमी अगर चार दिन कहीं रहने का इरादा करता है तो दाखिल और खारिज दोनों दिनों को माइनस करके अगर चार दिन होता है तो कसर नहीं करेगा बल्कि पूरी नमाज पढ़ेगा जी मसलन आज आया तो ये निकाल दो जिस दिन निकलना है वो निकाल दो तो खारिज और दाखिल दोनों दिनों को दो निकालने के बाद अगर चार दिन रहने का इरादा है तो नमाज पूरी पढ़ेगा ये, ये तीन इमामों का और राजे यही है अकरबिल सवाबी कितने किलोमीटर पर करेगा तीन फरसख यह हदीस है मुस्लिम की तीन फरसख और तीन फरसख इज इक्वल टू ट्वेंटी फोर किलोमीटर्स ट्वेंटी फोर किलोमीटर्स यानी तकरीबन साढ़े चौबीस किलोमीटर अगर है सफर आपका साढ़े चौबीस किलोमीटर तो आप कसर कर सकते हैं तो कितने दिन तक आप मुद्दत कसर क्या है और मसाफत कितनी हो वो मालूम हो गया कहां से आप शुरू करेंगे ये सारी चीजें मलहूज रखी जाएगी <laughs> वहीदा जर अब तुम फिल और तुम जुनाहन तकसर मिन जब तुम सफर करो तो तुम्हारे ऊपर कोई हर्ज नहीं कि नमाज कसर करो यानी चार रकत वाली दो पढ़ लो इमाम राजी फरमाते हैं कि इमाम शाफी ने कहा यह कौल इमाम राजी ने अपनी तफसीर राजी के अंदर जिक्र किया है कि इमाम शाफी रहमत ने, ने तीन सौ बार कुरान पढ़ा तीन सौ बार कुरान पढ़ा सिर्फ एक मसला जानने के लिए कितना बड़ा इमाम है कि इजमा हुज्जत है कि नहीं कि अगर सारे ओलमा उम्मत के या बहुत बड़ी तादाद किसी बात पर इजमा कर ले तो क्या यह इजमा हज्जत है इसको इजमा बोलते कहते हैं इजमा की दलील ढूंढने के लिए तीन सौ बार मैंने कुरान को पढ़ा और उसके बाद नजर आई कौन सी जहनमी यह मोमिन के रास्ते के अलावा की इतवा करेगा कहते हैं कि यह इजमा के हज्जत होने की दलील है जो हम तीन सौ बार कुरान हकीम को पढ़ा उन्होंने और हज्जतुल्ला बालिका में शावल्ला मुहदीस देहनवी ने लिखा है केन्न कुल्लू मै हविन मुतबिन कोई भी आदमी अगर बुखारी और मुस्लिम इन दोनों हदीस की किताबों की तौहीन करता है तो वो बिदाती है और मुसलमानों और मोमिनों के रास्ते से अलग हटकर चलने वाला है तो बुखारी और मुस्लिम ये दोनों किताबें ऐसी हैं जिनकी सेहत के ऊपर वलमा उम्मत का इजमा है यह है इजमा है इस पर और इजमा हमारे यहाँ हजत है अल्लाह तबारक व ने तनाफिकीन का एक रवैया ज़िक्र फरमाया है कि ये जब नमाज़ में खड़े होते हैं तो बड़ी कसलमंदी के साथ खड़े होते हैं मालूम होता है जैसे इनके ऊपर कोई बोझ रखा हुआ ऐसा जैसे कोई बोझ रखा हुआ और याउन नास ये नमाज़ दिखाने के लिए पढ़ते हैं इसलिए कि तो मुनाफिक हैं ये वलास्कुर अल्ला कलीला और ये अल्लाह का जिक्र बहुत कम करते हैं हदीस है मन अक्सर अल्लाही फ़कत बरी अमिन जो अल्लाह का जिक्र कसरत से करे वो नफाक से बरी है नफाक से बरी है उसके अंदर नफाक नहीं है अगर वो अल्लाह का जिक्र कसरत से करता है तो आखिर में अल्लाह तबारक तशात फरमाया मा यफ़अलु अल्लाह अजाबिकुम इन व आमनतुम व कान अल्लाहु वकान अल्लाह अल्लाह को क्या पड़ी है कि तुम्हें अज़ाब दे अगर तुम शुक्र करो और ईमान लाओ दुनिया में आप कहीं भी देखेंगे अगर अल्लाह का कोई अजाब आया है तो इन दोनों चीज़ों में से कोई एक चीज़ नहीं थी या तो अल्लाह की नेमतों की नाशुक्री की गई तो अल्लाह का अजाब आया जी जितनी कौमें है आप देख लीजिए सलाम की कौम है सलाम की कौम है हजरत नू सलाम की कौम जितनी कौमें आई और सफ़े हस्ती से मिटा दी गई आप देखेंगे कि उसके पीछे या तो कुफ्रता या नाशुक्री थी जब अल्लाह की नेमतों की नाशुक्री की गई तो अल्लाह तबारक तार पर अजाब भेजा और या तो अल्लाह का इनकार किया गया इसी वजह से ये दो चीजें एक साथ जिक्र की गई ईमान और शुक्र कि ये दोनों चीजें अगर हैं अल्लाह ऐसी कौम के ऊपर अजाब नहीं भेजता गौर से देखें शुक्र पहले है और ईमान बाद में है एक मुफसर बड़ा अच्छा लिखता है कहता है कि मुसख़रुन आदमी ये देखता है कि यह पूरी कायनात मुसखर है जी पूरी कायनात मुसखर है किसी खिदमत में लगा दी गई है तो जाहिर है कि जिसने इस कायनात को लोगों की खिदमत में लगा दिया है खिदमत में लगी हुई कायनात है फ़ौर वो ईमान की तरफ आएगा कि कोई ना कोई है जी तो गोया जब ये देखता है कि कायनात मुसखर है तो कायनात के मुशर होने को देख करके आदमी बढ़ता है कि कोई इसका मुशर करने वाला है हमारे फायदे के लिए उसको लगाने वाला है तो आदमी ईमान की तरफ बढ़ता है जी और जब देखता है कि खुद उसके लिए मुशर है कहना के तो आदमी के दिल में शुक्र का जज्बा पैदा होता है ये दोनों चीजें एक रद्द फेल का नतीजा ईमान है और एक के रद्द फेल और रिएक्शन का नतीजा शुक्र है तो ये शुक्र और ईमान जहाँ भी पाए जाए अल्लाह तबारक कौम के ऊपर अजाब नहीं भेजता है यह रहा पाँचवें पारे का खुलासा अल्लाह तबारक ताल नेकमल और अच्छी समझी तोफ़ी क़ा फरामाया वुरुदावाना अलहदुलबालमी